हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे मार्जिन के बारे में और उसको ट्रेड में कैसे यूज करते हैं। तो पहले मार्जिन होता क्या है? तो बेसिकली मार्जिन एक तरीके का सिक्योरिटी डिपॉजिट है जो एक्सचेंज या क्लियरिंग कॉर्पोरेशन एक बायर और एक सेलर दोनों से लेता है सो दैट वो अपने काउंटर पार्टी रिस्क को मिनिमाइज कर सके। ये मार्जिन जो होता है ये ब्रोकर आपसे कलेक्ट करता है और इन रिटर्न यही मार्जिन अमाउंट हमें एक्सचेंज या फिर क्लियरिंग कॉर्पोरेशन को देना होता है रियल टाइम पे। तो पहले हम देखते हैं अलग अलग ट्रेड में मार्जिन किस तरीके से कंप्यूट होता है और उसके बाद में लेटर पार्ट ऑफ द वीडियो में हम ये देखेंगे कि मार्जिन की जो कंप्यूटेशन है वो किस तरीके से की जाती है। सिंपलिसिटी के लिए मैं इस पूरे वीडियो एक्सप्लेनेशन में कैश मार्जिन का यूज करूंगा और नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो में हम उसको इन डिटेल में समझेंगे कि मार्जिन और किस तरीके से फ्लरिश किया जा सकता है। अब एक पॉइंट ध्यान रखिए, मार्जिन केवल और केवल ट्रेड इनिशिएशन के लिए यूज होता है, ये आप ट्रेड सेटलमेंट के लिए यूज नहीं कर सकते। Now, तो इस पॉइंट को आप समझोगे जब हम सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो देखेंगे कि मार्जिन की कंप्यूटेशन किस तरीके से की जाती है। तो सबसे पहले बात करते हैं कैश मार्केट में ट्रेड्स की। तो सबसे पहले जो कैश मार्केट में ट्रेड होता है वो होता है इंट्राडे ट्रेड। लेट्स सपोज आपके पास में 1 लाख रुपीज का कैश मार्जिन पड़ा हुआ है आपके लेजर में। अब आपको इंट्राडे ट्रेड लेना है जिसकी ट्रेड वैल्यू है 80,000 रुपीज। अब यहाँ पे एक्सचेंज ये कहता है कि आपको 20% ऑफ द ट्रेड वैल्यू, जो कि इस केस में 16,000 रुपीज हो जाएगा, आपको इन द फॉर्म ऑफ मार्जिन देना होगा और ये मार्जिन आपका ब्लॉक हो जाता है। नाउ अब यहाँ पे आपके पास में 1 लाख रुपए पड़े हुए थे लेकिन आपका इस इंट्राडे ट्रेड के लिए ब्लॉक हो रहा है केवल 16,000 रुपीज। अब आपके पास में 84,000 रुपीज फिर भी पेंडिंग रहेंगे, ये आप किसी और ट्रेड के लिए यूज कर सकते हो। तो ये हो गई बात इंट्राडे ट्रेड की। अब हम बात करते हैं डिलीवरी बेस्ड ट्रेड्स की या फिर BTST की। So, इस केस में ट्रेड वैल्यू का 100% वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ मार्जिन ब्लॉक कर दिया जाता है और आपके पास में केवल डिफरेंस अमाउंट, जो कि इस केस में 20,000 रुपीज हो जाएगा, ये बचेगा आपके फर्दर ट्रेड्स के लिए। अब देखते हैं फ्यूचर्स ट्रेडिंग के लिए। नाउ फ्यूचर्स का जो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू होता है ये 5 लाख टू 10 लाख के बीच में होता है। नाउ जैसे जैसे मार्केट में प्राइस बढ़ती है तो ये कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू जो होता है ये चेंज होता रहता है क्योंकि लॉट साइज जो होता है वो फिक्स होता है। तो एवरी 6 मंथ्स लॉट साइज को रिवाइज कर दिया जाता है और इस तरीके से साइज को बिठाया जाता है कि आपकी जो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू हो ये 5 लाख टू 10 लाख के बीच में रहे। नाउ अब जब भी आप कोई फ्यूचर के ट्रेड को इनिशिएट करते हो तब आपका मार्जिन जो ब्लॉक होता है वो होता है स्पैन मार्जिन प्लस एक्सपोजर मार्जिन। ये काफी कॉम्प्लिकेटेड वर्ड है लेकिन आप इसको इस तरीके से रफली समझ सकते हो कि अराउंड कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू का 20-25% आपका मार्जिन जो होता है वो ब्लॉक कर दिया जाता है। लेट्स सपोज आपको एक ट्रेड ले रहे हो जिसकी कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है 8 लाख रुपीज का। नाउ इसका 25% विच इज अराउंड 2 लाख ये आपका ब्लॉक हो जाएगा उस टाइम पे जिस टाइम आप ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहे हो। नाउ अब फ्यूचर्स के केस में डेली MTM होता है विच मीन्स कि आपकी जो पोजीशंस है उसको डेली क्लोजिंग रेट पे मार्क टू मार्केट कर दी जाएगी। इसको इस तरीके समझते हैं कि आपने जो पोजीशन ली है वो है, उसके लिए आपका जो मार्जिन ब्लॉक हुआ है वो हुआ है 2 लाख रुपीज का। अब नेक्स्ट डे जब आप जाओगे तब हो सकता है कि उसका जो मार्जिन है वो या तो इंक्रीज हो जाए या डिक्रीज हो जाए। लेट्स सपोज वो इंक्रीज होकर के 2,10,000 रुपीज हो चुका है तो इस केस में आपको नेक्स्ट डे 10,000 और फ्लरिश करना पड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ मार्जिन क्योंकि अब मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ गई है। अगर आप ये चीज नहीं करोगे तो आपका आ जाएगा मार्जिन शॉर्टफॉल ऑफ 10,000 रुपीज और हमारे यहाँ से आपको मार्जिन कॉल दिया जाएगा। इसको कहते हैं मार्जिन कॉल। नाउ लेट्स से नेक्स्ट डे आपकी पोजीशन का जो मार्जिन है वो रिड्यूस हो चुका है 1,80,000 के ऊपर। नाउ अब यहाँ पे आपको 20,000 रुपीज का जो होगा ये गेन दिखाया जाएगा आपके लेजर के अंदर, बट ये ध्यान रखना एक्चुअल गेन नहीं होता। जब तक आपका फ्यूचर्स का पोजीशन आप होल्ड करोगे अंटिल एक्सपायरी या जब तक आप स्क्वायर ऑफ नहीं करते तब तक MTM के जो एंट्रीज है ये आपके लेजर में आपको दिखते रहेंगे, वो कभी क्रेडिट होंगे या फिर कभी डेबिट होंगे। ये इंश्योर करता है कि आपका जो मार्जिन हो ये मेंटेन रहे। किसी भी टाइम पे अगर आप ये मार्जिन फ्लरिश नहीं कर पाओगे तब आपको मार्जिन कॉल दिया जाएगा और आपकी पोजीशन स्क्वायर ऑफ भी कर दी जा सकती है। नाउ ऑप्शन का जो मार्जिन होता है ये डिपेंड करता है कि आप ऑप्शन को बाय कर रहे हो या फिर ऑप्शन को सेल कर रहे हो। नाउ लेट्स से सपोज अगर आप ऑप्शन बाय कर रहे हो तो ऑप्शन बाय के अंदर कोई मार्जिन वैसे नहीं होता लेकिन आप जितना भी प्रीमियम आप पे कर रहे हो इतना आपको 100% वैल्यू देना होता है। लेट्स से सपोज आपका जो प्रीमियम पेएबल है ये 12,000 रुपीज है तो इस केस में आपको 12,000 रुपीज पूरा का पूरा देना होगा ब्रोकर को जो कि एक्सचेंज को जाएगा। नाउ जब आप ऑप्शन को सेल कर रहे हो, जब आप ऑप्शन को सेल करते हो तो आपका मार्जिन उतना ही ब्लॉक किया जाता है जितना फ्यूचर का होता है लेकिन एडिशनली जो प्रीमियम वैल्यू होती है वो भी ब्लॉक कर दी जाती है। लेट्स सपोज एक स्क्रिप्ट है जिसका फ्यूचर के अंदर मार्जिन है वो है 1,50,000। अब इसी का अगर आप कोई ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट अगर सेल करोगे तो आपका जो मार्जिन जो ब्लॉक होगा वो होगा 1,50,000 प्लस प्रीमियम जो आपने रिसीव किया है। लेट्स सपोज आपने 20,000 रुपीज रिसीव किया है तो इस केस में जो आपका मार्जिन ब्लॉक होगा वो होगा 1,50,000 प्लस 20,000 दैट इज 1,70,000। नाउ
अब क्या होगा, आपका जो मार्जिन ब्लॉक का ये रहेगा 1,70,000 का। अभी जो 20,000 है ये आपको नेक्स्ट डे आपके लेजर में क्रेडिट दिखेगा। नाउ जैसे हमने देखा था फ्यूचर्स के अंदर डेली मार्क टू मार्केट किया जाता है आपकी पोजीशन को, विच मींस कि आपके पोजीशंस को रोज मार्जिन के लिए एडजस्ट किया जाता है। ऑप्शन के केस में वो चीज नहीं होती, ऑप्शन के केस में कोई एमटीएम नहीं होता, मतलब जिस दिन आप पोजीशन ले रहे हो और जिस दिन आप स्क्वायर ऑफ कर रहे हो केवल यही दो दिन पे आपके लेजर में एंट्रीज होगी, उसके पहले आपके कोई लेजर में एमटीएम की एंट्रीज नहीं होगी। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.